ये जो है अपनी बाइक में कुछ इस तरीके से प्लेस होएगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, मतलब ये वाला पूरा जो लुक है ना एनहांस कर देगा पूरा बाइक। ये वाला जो है Canon का फिल्टर है BM8518। दिस सीरीज इज कंपैटिबल विद BMW 850 GSA। हार्डली 2000 चलता। वेल हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो स्वागत है आप लोगों का एक और ब्लॉग में, और आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि अपनी जो बाइक की है 850 GSA की, काफ़ी टाइम से मैं जो हेडलाइट ग्रिल है उसका मैं वेट कर रहा था, तो फाइनली वो रिसीव हो चुकी है। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम स्टोरीज में देखा होगा तो कई लोगों को पता होगा मैंने ऑर्डर की थी, एंड थैंक्स टू JS पा जी जिन्होंने मेरे को कुरियर करके जो है पार्ट भिजवा दिया। एंड दिस वन आई गॉट इट फ्रॉम करोल बाग SKD करके उनका इंस्टाग्राम का पेज है, मैं डाल दूंगा इधर लिंक पे। और अभी फ़िलहाल का सीन कुछ ऐसा है, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं LBS पिट स्टॉप में। दिस इज़ वेरी नियर टू हेब्बाल और यहाँ पे सारी बाइक्स का काम होता है बेसिकली। आप लोगों का जो भी सुपर बाइक रहेगी सुपर बाइक का भी काम होता है, जो बाकी मिड रेंज जो बाइक है सारी, मतलब A to Z सारी बाइक्स का कवर होता है। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है, अपना जो Canon का जो फ़िल्टर आया था उसका मैंने स्टिकर तो लगा लिया अपने हेलमेट में, अभी आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ क्योंकि कल मैं गया था JSP में, एंड JSP में देन इशू क्या हुआ वो भी आप लोगों को बताता हूँ। तो ये है Canon का फ़िल्टर और ये है अपना हेडलाइट ग्रिल, दोनों निकाल लेते हैं उसके बाद में आप लोगों को दिखाते हैं क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये वाला जो है Canon का फ़िल्टर है BM8518। दिस सीरीज़ इज़ कंपैटिबल विद BMW 850 GSA। इसका जो स्टॉक हेयर फिल्टर आता है वो आप लोगों को एज इट इज़ चेंज कर सकते हो। दिस इज़ दैट वन इज़ कॉटन, सॉरी दैट वन इज़ पेपर, और ये वाला जो है कॉटन है, लाइफ टाइम वारंटी आ जाती है इसमें। और इसका प्राइस जो आप लोगों को MRP दिखेगा 5990 दिखेगा, बट जो इसका आफ्टर डिस्काउंट है मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से बाई कर सकते हो। यू विल डेफिनेटली गेट आइदर 5% और 10% ऑफर, वो व्हील स्पिन करने के हिसाब से मिलता है। और दूसरा है अपना बहुत ही शानदार एकदम, मतलब जो लाइट है ना बहुत ही अच्छी लग रही है, वो आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। तो एक अपने को जो ये है लाइट, ये डिस्पैच हुई अपनी BMW 850 GSA का चश्मा हो गया ये। ठीक है, तो इस वाले का आप लोगों को प्लेसमेंट दिखा देता हूँ कैसा रहेगा। ये जो है अपनी बाइक में कुछ इस तरीके से प्लेस होएगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, मतलब ये वाला पूरा जो लुक है ना एनहांस कर देगा पूरा बाइक का। ये क्योंकि ये पार्ट एक्सपोज रहता है, कभी भी एडवेंचर में हम लोग मतलब ऑफ रोडिंग करने जाते हैं तो जो जितने भी पत्थर होते हैं वो सारे आके इधर लगते हैं, इसलिए बेटर है, थोड़ा सा अवॉइड हो जाता है क्योंकि इसमें मैश है। और इसका क्वालिटी देखो यार, बहुत ही अच्छा है, पूरा स्टडी है। एंड प्लस वन बेनिफिट इज़ कि आप लोगों का अगर ये जैसे ये है, अगर ब्रेक हो जाता है या फिर अगर ये चेंज करना है और अगर आप लोगों को ये कलर भी चेंज करना है, जिसमें येलो आ जाता है एक नियॉन कलर आ जाता है, वो भी कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, एंड इसका आप लोगों को प्राइस जो है मैं आफ्टर इंस्टॉलेशन बताऊँगा कितना पड़ा। ठीक है, ये चीज़ का प्राइस एंड प्लस जो Canon का फ़िल्टर है, दोनों चीज़ें, क्योंकि मेरा प्लान था कल Canon का फ़िल्टर लगवाने का, बट देन उसके बाद में वो चीज़ इंस्टॉल हो नहीं पाई क्योंकि सीन बताता हूँ आप लोगों को क्या हुआ। जो GB का जो टैंक रिंग होता है बेसिकली, वहाँ का एक बोल्ट जो है, जो इधर वाला दिख रहा है आप लोगों को, ये स्लिप हो गया है, तो ये चीज़ अभी खोलना मुश्किल है। अभी इसलिए लेके आए, या तो वो वेल्डिंग करके उसको खोलना पड़ेगा या फिर अदरवाइज़ कुछ एक हल्का सा कट करके देन उसको करना पड़ेगा। तो ये देखेंगे, ये ओपन हो जाएगा, देन उसके बाद में हम लोगों को Canon का फ़िल्टर इंस्टॉल हो जाएगा। इसको भी आप लोगों को खोल के दिखा देता हूँ, अगर आप लोगों को बिल्ड क्वालिटी पता करनी है ना तो इसमें भी आफ्टर मार्केट ना कई कई नकली से भी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। इस वाले को तो ऐसे मैंने खोल लिया है, तो एक तो इसका स्टिकर मैंने लगा लिया और एक वारंटी का जो था उसको रजिस्टर करने का वो कर लिया। देखो कल इन्होंने खोला तो था, विच इज़ पॉलीथीन में आती है वैसे पूरा ऑयलिंग करके, तो ये वाला जो रहता है वो कॉटन का रहता है और ये पूरा एज इट इज़ जो है स्टॉक में रिप्लेस हो जाता है। तो ये चीज़ करनी है, एंड देन उसके बाद में आप लोगों को जैसे बुकलेट टाइप से मिलती है, इसमें आप लोगों को रजिस्टर करके स्कैनिंग करना पड़ेगा, मतलब वारंटी रजिस्टर करनी पड़ेगी। और जो ये हेडलाइट ग्रिल है इसके साथ में बाकी भी नट बोल्ट और वो ये सब साथ में ही आता है, ये वाला भी दिखा देते हैं। आई गेस इंस्टॉलेशन का जो
इंस्टॉलेशन का जो पूरा किट है ना वो मिला हुआ है। ये देखो यहाँ पे है, ये दो क्लैंप से हैं, तो ये वाला है इस तरीके से, दो क्लैंप लगेगा और उसके ऊपर फिर देन ये जो है ग्रिल फिट हो जाएगा। तो ये अभी काम कराते हैं यहाँ से एंड देन उसके बाद में हम लोग उसके बाद में K&N का फिल्टर के इंस्टॉलेशन के बाद में आप लोगों को एग्जॉस्ट का नोट सुनाऊंगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, कई लोग बोलते हैं कि माइलेज गिर जाता है, कई लोग बोलते हैं माइलेज अच्छा हो जाता है। बेसिकली देखा जाए तो अच्छा हो जाता है क्योंकि जो एयर इनटेक है वो बढ़ जाता है, फ्री फ्लो रहता है, ठीक है, तो उसकी वजह से और अच्छा माइलेज मिलता है एंड प्लस जो पावर है वो भी ऑब्वियसली मतलब 5 to 10 BHP जितना भी है वो बढ़ जाता है। तो एग्जैक्टली मेरे को आइडिया नहीं है कितना है, बट डेफिनेटली एक बार इंस्टॉल करने के बाद मैं आप लोगों को वो भी जो दोनों चीज़ें दिखाता हूँ और साथ में अपना ये वाला भी इंस्टॉलेशन है। यार बाइक पूरी गंदी होगी हम लोगों की, ठीक है। बाकी आप लोगों का इंस्टॉलेशन कवर करता हूँ कैसे करना है, बाकी थोड़ा क्लिप्स डाल दूंगा कैसे इंस्टॉलेशन चल रहा है और उसके बाद में आप लोगों को पूरा जो है ओवरऑल लुक कैसा आ रहा है बाइक का वो सारा दिखाता हूँ। बाकी देखो ये थोड़ा सा अलग सी लोकेशन में अंदर जाके है तो आप लोगों को जल्दी नहीं पता लगेगा, मैं लोकेशन लिंक में डाल दूंगा। अच्छा काम हो जाता है यहाँ पे, काफ़ी सारे चीज़ें हैं और देखो कितनी कितनी बाइक आ रखी है। ओ भाई ये मस्त लग रही है KTM, पूरा डकार रैली वर्जन लग रही है। लुक एट दिस, ये भी KTM पूरा 12 Genesis का ग्राफिक होके यहाँ पे अच्छा लग रहा है। इवन आई थॉट दैट कि एक कुछ ग्राफिक कराया जाए, लेट्स सी, प्लानिंग में है बट जैसे ही होता है तब आप लोगों को बताते हैं आगे। यू वॉन्ट बिलीव गाइज, ये जो है ना बजाज चेतक, ये मेरे पापा के पास में था और इसमें मैंने जो है अपना मतलब टू व्हीलर जो बेसिकली गियर टू व्हीलर है वो चलाना शुरू किया था एंड मस्त यार पुरानी यादें ताज़ा होगी। इधर पे एक सीट होती थी पहले जब बचपन में थे ना, पहले 90s वाले सारे गेट जाएंगे बजाज चेतक उस टाइम पर हुआ करता था और इसी में बैठते थे। स्टेपनी आ गई इसमें, बट अच्छा मेंटेन किया, ये है कि रीपेंट हुआ है दोबारा से, ऑब्वियसली बहुत सही निकल गया ना ये वाला। ओके सो ये जो है चार यहाँ पे हैं बोल्ट रहते हैं, ये सब चारों निकल चुके हैं अभी। उई ये वाला सेंसर रहता है बेसिकली फॉर कीलेस जो आप लोगों का पेट्रोल टैंक खोलता है। ओके इसको देख के हाँ इट इज जस्ट क्लिप ऑन ना। ओके ओके रिमूव इट, दिस कैन बी यूज्ड और हैव टू थ्रो दिस, हां गो ऑन नो। ओके सो ये वाला जो है ये पेपर वाला फिल्टर रहता है और ये वाला देखो ऑलमोस्ट जा चुका है अभी, हार्डली 2000 चलता, बट ये इसका नुकसान क्या है, ये वाला रीयूज नहीं कर सकते बेसिकली, आप लोगों को क्लीन भी नहीं कर सकते इसको, ये जो है पूरा रिप्लेस होएगा। एंड K&N वाला भी दिखाता हूँ आप लोगों को कैसा दिखता है लाइट में आ गए थे। तो ये वाला जो है इसका जो साइज़ है एग्जैक्टली सेम रहता है, जो मॉडल नंबर दिखाया है वो आप लोग देख के इसको बुक कर सकते हो एंड दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 5300 आफ्टर डिस्काउंट जो 10% का रहता है, 5990 का वैसे है, ठीक है कर दो भाई। ये चीज़ अच्छी लगी है, हिमालयन का जो रैली वाला किट है पूरा पीछे से लुक चेंज कर दे रहा है। देखो सीट भी रैली की है, दिस इज़
हाइटेड सीट और पूरा ओवरऑल जो लुक है ना बाइक का एनहांस कर दिया। देखो लवली, पूरा पीछे से भी अलग लग रहा है रैली। भाई साहब ये वाला जो है ना लाइट इतना अच्छा लग रहा है, अभी आप लोगों को जला के दिखाता हूँ यहाँ से। दिस इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस, लवली। ये वाला जो है ऑरेंज लाइट हो गया, ये वाला भी ऑरेंज कलर का हो गया, एंड ये वाला। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि इसका प्राइस कितना है, बहुत ही सही प्राइस में मेरे को मिल गया है ये, बहुत ही सही लग रहा है। एंड द प्राइस ऑफ दिस ग्रिल इज जस्ट 3,500 रुपीज, तो बहुत ही सही प्राइस में मिल गया। एंड ऑन करके अभी आपको दिखाते हैं, लुक एट दिस, बहुत ही सही लग रहा है लाइट। तो अभी अपना पूरा फुल सेटअप हो चुका है, आज का जो अमाउंट मैंने पे किया इंक्लूडिंग जो ग्रिल है 3,500 का, K&N का जो फिल्टर है उसका प्राइस मेरे को पड़ा 5,300, और प्लस एक जो मैंने स्टेम माउंट लगाया है यहाँ पे। फ्रेंड्स किसी वजह से जो माइक का ऑडियो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बट एनीवेज आप लोगों को आई होप व्लॉग जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा। एंड अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज है, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम आईडी, माय इंस्टाग्राम आईडी इज नदीम अलवी व्लॉग्स। और अगर आप लोग कुछ भी क्वेरीज है, यू कैन ड्रॉप द कमेंट्स, और मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा आप लोगों की सारी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।